राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 88 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिसमें से 7 महिलाएं भी शामिल हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट आने के बाद जिस नाम की चर्चा हरियाणा से लेकर राजस्थान तक हो रही है, वो नाम है नौशम चौधरी का। नौशम चौधरी कौन है? हरियाणा की रहने वाली है और वहां से चुनाव भी लड़ चुकी है। नौशम को बीजेपी ने राजस्थान के चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाकर क्यों उतारा है, इन सब का कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नौशम चौधरी की, फिर बात होगी उनकी सियासी सीट की। नौशम चौधरी कौन है? विदेश में पढ़ी आईएएस माँ और जज पिता की 31 साल की बेटी नौशम को कामा विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट देकर सबको चौंका दिया है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में छात्र संघ नेता रही नौशम को राजनीति का चस्का वहीं से लगा था। मिरांडा हाउस के बाद वो 3 साल तक इटली और ब्रिटेन में रही। वहाँ करीब 10 भाषाओं को बोलने में सक्षम नौशम ने ट्रिपल MA किया है। उन्हें 1 करोड़ की नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उसे ठुकराकर वो भारत आई और राजनीति के गलियारों में कदम रख दिया। हरियाणा के पुहाना की रहने वाली नौशम ने सितंबर 2019 में बीजेपी का दामन थामा और उन्हें 2019 में ही बीजेपी ने पुहाना सीट से मैदान में उतार दिया था। हालांकि नौशम वो चुनाव हार गई थी। हरियाणा छोड़ राजस्थान में नौशम की एंट्री क्यों? नौशम हरियाणा के मेवात के जिस इलाके से आती हैं, उसकी सीमा राजस्थान से लगती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटी राजस्थान की नवनिर्मित डीग जिले की कामा विधानसभा प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। कामा विधानसभा सीट मेवात क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाने लगी है। कामा विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, इसीलिए बीजेपी ने यहाँ से कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार नौशम चौधरी को मैदान में उतार कर एक प्रयोग करने की कोशिश की है। कामा विधानसभा सीट का समीकरण। 70 साल के इतिहास में सीट पर 40 साल तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2018 में जाहिदा विधायक चुनी गई। जाहिदा खान अभी गहलोत सरकार में राज्य मंत्री हैं। जाहिदा खान 2008 में भी यहां से विधायक चुनी गई थी। 2013 की बात करें तो 2013 में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। अगर अब आंकड़ों की बात करें तो यहाँ मुस्लिम समुदाय के करीब 60% और हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों के लोग करीब 40% हैं। ऐसे में यदि एक तरफा मुस्लिम वोट पड़े तो मुस्लिम चेहरे का जीतना तय है। ऐसे में अब देखना होगा किस पर क्या कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की नौशम चौधरी सेंध लगाने में कामयाब हो पाती हैं या नहीं।